का पीर व मुर्शिद, और बुलंदी के साथ कहें सुभान अल्लाह। मतलब पहुंचाता हूं, सुने कि रब की रहमत बरस रही है। अब ये वक्त ही ऐसा है कि आप हजरात को बुलाना मेरी मजबूरी है। अल्लामा साहब की बुला के रब के रहमत बरस रही है, रब के रहमत बरस रही है। दादा मियाँ के आंगन में रब के रहमत बरस रही है, दादा मियाँ के आंगन में रब के रहमत बरस रही है। अरे रब की रहमत बरस रही है, दादा मियाँ के आंगन में, दादा मियाँ के आंगन में। अरे मंगतों की एक भीड़ लगी है, मंगतों की एक भीड़ लगी है, दादा मियाँ के आंगन में। मंगतों की एक भीड़ लगी है, दादा मियाँ के आंगन में। रब की रहमत बरस रही है। और नूर आलम भाई तमाम अहबाब बैठे हैं कि आओ दीवानों भर लो झोली, फैज़ो करम की चौखट पर। आओ दीवानों भर लो झोली, अरे आओ दीवानों भर लो झोली, फैज़ो करम की चौखट पर, फैज़ो करम की चौखट पर। अरे अपना नसीबा तुम चमकाओ, अपना नसीबा तुम चमकाओ, दादा मियाँ के आंगन में। अपना नसीबा तुम चमकाओ, दादा मियाँ के आंगन में। आखिरी शेर कि मस्ती में मस्ताने हैं और झूम रहे दीवाने हैं, मस्ती में मस्ताने हैं और, अरे मस्ती में मस्ताने हैं और झूम रहे दीवाने हैं, झूम रहे दीवाने हैं। अरे खुशियों का एक मेला लगा है, खुशियों का एक मेला लगा है, दादा मियाँ के आंगन में। का एक मेला लगा है, खुशियों का एक मेला लगा है। अरे मस्ती में मस्ताने हैं और झूम रहे दीवाने हैं, झूम रहे दीवाने हैं। खुशियों का एक मेला लगा है, खुशियों का एक मेला लगा है, दादा मियाँ के आंगन में। खुशियों का एक मेला लगा है, दादा मियाँ के आंगन में। रब की रहमत बरस रही है। अभी तक आप हजरात ने इनके वालिदे गरामी हुदू सैयद शाह आफाक मियां सैयद ज़ियाउल हक बलखी रहमतुल्लाह तआला अलैह की शान में मनकबत के शेर सुने। अब उनके शहजादे की बारगाह में दो तीन शेर और पढ़ता हूँ। आपके पीरो मुर्शिद जलवा बार हैं, तशरीफ़ फरमाएं। इनकी शान में मैं कुछ शेर पढ़ना चाहता हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं। डॉक्टर साहब इजाज़त है भैया, पढ़ें, सुने आप।
हर बच्चा दीवाना है, जरा माहौल बना दे। हर बच्चा दीवाना है, हर बच्चा दीवाना है सूफी मोहियुद्दीन का। हर बच्चा दीवाना है, हर बच्चा दीवाना है सूफी मोहियुद्दीन का। 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 कितना सखी घराना है सूफी मोहियुद्दीन का। कितना सूफी मोहियुद्दीन का। कितना सखी घराना है सूफी मोहियुद्दीन का। अब एक शेर सुने। आल नबी औलाद अली है जहरा के दो लालों से। आल नबी औलाद अली है जहरा के दो लालों से। आल नबी औलाद अली है जहरा के दो लालों से। आल नबी औलाद अली है जहरा के दो लालों से। अरे रिश्ता 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 बड़ा पुराना है सूफी मोहियुद्दीन का। रिश्ता बड़ा पुराना है सूफी मोहियुद्दीन का। सूफी मोहियुद्दीन का। अब एक हकीकत मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर दिल से सो जाए तो दुआओं से मोहब्बतों से नवाज देना। कि वालिद हैं आफाक मिल्लत दादा ज़ियाउल हक बलखी। वालिद हैं आफाक मिल्लत दादा ज़ियाउल हक बलखी। अरे वालिद हैं आफाक मिल्लत, वालिद हैं आफाक मिल्लत दादा ज़ियाउल हक बलखी। अरे आल नबी हाँ आल नबी का घराना है सूफी मोहियुद्दीन। सूफी मोहियुद्दीन का। आल नबी का घराना है सूफी मोहियुद्दीन का। अब इनके दादा हुजूर ज़ियाउल हक बलखी रहमतुल्लाह अलैह की शान में एक शेर आखिरी शेर पढ़ता हूँ, सुने आप। कि शाह बलख ने हिंद में, शाह बलख ने हिंद में आकर दीन का झंडा गाड़ दिया। शाह बलख ने हिंद में आकर दीन का झंडा गाड़ दिया। शाह बलख ने हिंद में आकर दीन का झंडा गाड़ दिया। शाह बलख ने हिंद में आकर दीन का झंडा गाड़ दिया। दादा दादा अजमत वाला है सूफी मोहियुद्दीन का। दादा अजमत वाला है सूफी मोहियुद्दीन का। कितना सखी घराना है सूफी मोहियुद्दीन का। हर बच्चा दीवाना है सूफी मोहियुद्दीन का।